हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटी ब्रेन्स। तो गाइज, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि आखिर मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया और मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा। सीबीटी एग्जामिनेशन जो है, आप लोग को जैसा पता है, 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट फेज का जो है लिस्ट भी आ चुका है, जो कि 9 सितंबर तक एग्जामिनेशन होंगे। कुल मिला करके देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगा कि आखिर आप लोग का एडमिट कार्ड जिन बच्चों का नहीं आया तो क्यों नहीं आया है और कब तक आने का संभावना है। तो ये पूरे वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपको अधूरा जानकारी मिलेगा, जिस वजह से आपको लगेगा वीडियो भी फेक है और जो है आपको समझ में भी कुछ बात नहीं आएगी। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप कि दूसरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ कुछ देखिएगा, 10 तरह कन्फ्यूजन माइंड में लेकर के फिर आप हौच-पौच होकर बोलिएगा कि डिजिटी बर्बाद कर दिया लाइफ। और सही बात भी कि डिजिट तो बर्बाद कर ही दिया लाइफ, लेकिन चीज़ों को समझते हैं कि आखिर समस्या कहाँ है। देखिए टोटल जो है 7 लाख, समझिए इस चीज़ को, टोटल 7,80,000 बच्चों का निमी पोर्टल पे जो है फीस पेमेंट करवाया गया एग्जामिनेशन को लेकर के, जिसमें कि लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स थे, सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स थे, सभी बच्चों का, 2018 सेशन के बच्चे हों, 2019 सेशन के बच्चे हों या फिर सेमेस्टर सिस्टम के बच्चे हों, उन लोगों का फीस पेमेंट करा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि एग्जाम लेने की बात हुई तो 3 सितंबर से तय किया गया एग्जाम लिया जाएगा। हुआ क्या उस बीच कि फेज लिस्ट जारी किया गया, जिसमें मेरिट लिस्ट जारी किया गया कि किन बच्चों का एग्जामिनेशन है। आपको मेरे चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, A to Z आप चैनल जाके विजिट कीजिएगा। यदि आपको फेज लिस्ट 1 में किन बच्चों का एडमिट कार्ड आया है नहीं आया है, उन सारी चीज़ों को आप मेरे इसमें जाइएगा, आप लोग चैनल पे आप लोग को सारे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे तो इतने हैं, लेकिन जो टोटल जो बच्चों का जो एडमिट कार्ड आया है वो आया है आपका 70,000, ठीक है, 81 बच्चों का एडमिट कार्ड टोटल अभी तक आया है। और ये 70,081 बच्चे जो हैं, ये अभी आपका 3 तारीख से 9 तारीख तक एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो रही बात कि ये 7,80,000 बच्चों में मात्र इतने बच्चों का आया है, तो जाहिर सी बात है बहुत बच्चों का नहीं आया है। तो एक तरह से रफली बताया जाए तो कुल मिलाकर 6-6.5 लाख बच्चों का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। अब क्यों नहीं आया है इसका, तो आप रीज़न समझ लीजिए। देखिए, अभी हो क्या रहा है कि एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करेगी जो एजेंसी, वो बदल दिया गया। पहले निमी ले रहा था, लेकिन कुछ कमियों के कारण उनको चेंज करके NACIT को दे दिया गया। तो NACIT का जो सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया लिमिटेड है, बड़े बड़े जिलों में उनका सेंटर्स है। तो हुआ क्या है कि उनके पास जो है बड़े बड़े जिलों में तो वो एग्जामिनेशन करा रहा है, लेकिन छोटा जिला जहाँ की ITI कॉलेज है, अब छोटे जिला के जो बच्चे हैं ITI में जो पढ़ते हैं, वो बड़े जिले में उतना दूर जा करके एग्जामिनेशन देंगे वैसा संभव नहीं हो पा रहा। जिस वजह से NCVT के पोर्टल पर देखिए एक जो है यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि हॉल टिकट विल बी जनरेटेड वंस योर एग्जामिनेशन सेंटर इज मैप्ड एंड विल बी जनरेटेड एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, प्लीज विजिट द वेबसाइट रेगुलरली फॉर मोर अपडेट्स। कहने का मतलब है कि आप लोग का सेंटर जो है मैपिंग किया जा रहा है, मतलब न्यू सेंटर्स तय किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और ज्यों ही एक बार सेंटर्स मैप कर दिया जाएगा, एक बार सेंटर्स का सुनिश्चित कर दिया जाएगा, तो आप लोग का जो है हॉल टिकट ये चीज़ सब जितना भी है जारी करने का जो है आसार खुल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप लोग के उसके बाद से एडमिट कार्ड जारी होने लगेंगे, लेकिन यहाँ सिस्टम का फेल्यूर है। मैं मानता हूँ कि अभी जो है इन लोग सेंटर अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि ज्यों ही एक बार ये सेंटर जो है सुनिश्चित हो जाएँ कि हाँ भाई इस जिला में यहाँ सेंटर बनाया जाएगा, लाइक गवर्नमेंट RTIs को भी इनमें शामिल किया जाएगा शायद, तो उस केस में क्या होगा, उसके बाद आप लोग का हॉल टिकट धीरे धीरे जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए, 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आप जो आप लोग का जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आप अपना वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहिए NCVT का, ठीक है। मैं आपको बता भी दिया हूँ कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, उस पर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं, या फिर आप जो है मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, पल पल की अपडेट्स आप तक मिलती रहेगी। इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है कि सेंटर मैपिंग हो गया, अब बच्चों का जितने बच्चे बचे उनका एडमिट कार्ड आ रहा है, तो मैं अपने चैनल पे डेफिनेटली आप लोग को बता दूंगा। तो 6.5 लाख बच्चों का अब तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, तो मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग मतलब मैं जितना वीडियो डाल रहा हूँ सब में ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, मेरा एडमिट कार्ड नहीं, तो इसका रीज़न यही है, इस वजह से एडमिट कार्ड नहीं आ सका है। तो आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और ज्यों ही इन चीज़ों पे एक बार सारा कुछ सिस्टम ठीक हो जाता है, तो फिर मैं आप तक ये जो न्यूज़ है कि आप लोग का एडमिट कार्ड भी अब आने लगा, तो वो पहुँचा दूंगा। अब देखिए, 9 तारीख तक की बात है, इन लोग का एग्ज़ाम हो रहा है 3 से 9 सितंबर तक, तो हो सकता है कि 9 के बाद ही अब एग्जामिनेशंस आप लोग के जो बचे हुए हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है उनका आएगा, क्योंकि फर्स्ट फेज जो है वो 3 से लेकर के 9 तारीख तक का है, जिसमें 4 तारीख को एग्जाम नहीं है। लेकिन अब जो सेकंड फेज अब लिस्ट आएगा, ये जो पूरा 3 से 9 फर्स्ट फेज का ला रहा है, सेकंड फेज 9 तारीख के बाद होगा ऐसा संभावना है। लेकिन यदि सेंटर हो सकता है इधर मैपिंग कर दिया गया, तो मे भी हो सकता है कि 8-9 इस समय भी डेट में एग्जाम स्टार्ट सेकेंड फेज वालों का हो जाए, ठीक है।
तो ये अभी श्योर नहीं है, क्योंकि देखिए गलत जानकारी मैं दूंगा नहीं अपने चैनल पे। तो जितनी जानकारी है, जितनी डीजीटी की ओर से जानकारी है, उतना तक मैं आप लोग को पहुंचा रहा हूं, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग का एडमिट कार्ड कहाँ फंसा हुआ है, कब तक आ सकता है। तो देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि अभी डीजीटी भी श्योर नहीं है कि आप लोग का एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि जब तक उसका सेंटर तय नहीं हो जाएगा कि भाई इस जिला में यहाँ लेना है सेंटर, तब तक तो वो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं छोड़ सकता है। एडमिट कार्ड में सेंटर क्या लिखेगा वो, जब तक सेंटर ही उसका नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं और ये सारी बातें हैं जिस वजह से एडमिट कार्ड नहीं आ सक रहा है। तो मान के चलिए कि ये जो आपका सितंबर तो पूरा जाएगा ही, अक्टूबर भी आई थिंक पूरा लग जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। रही बात 2018 सेशन और 2019 सेशन के बच्चों का, तो उनका तो लगभग ये मंथ में हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन 2019 सेशन का यदि बात करूँ सेकेंड ईयर का, तो उनका अभी लेट होगा। या 2020 सेशन का फर्स्ट ईयर का बच्चों का, उनका भी और भी लेट होगा, कि ये सब जब तक एक बार कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उन बच्चों का स्टार्ट कैसे किया जाएगा। तो मेरे समझ से आप लोग को जो जानकारी दे रहा हूँ पूरे अच्छे से स्पष्ट हो गई होंगी, और इस तरह का थंबनेल क्यों लिखा गया ये भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग को जितनी भी जानकारी दी जा रही है, पल पल की अपडेट्स मेरे चैनल पे आप लोग को मिल रहे हैं, तो आप लोग को इजीली वे में मिल भी रहा होगा, आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन एटलीस्ट एग्जाम भर जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स पल पल की आती जा रही हैं, और कोई भी अपडेट यदि मिस होता है तो हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए, हो सकता है एग्जाम हो जाए आपको पता भी नहीं चले, क्योंकि डीजीटी इतना अभी चेंजिंग हो रहा है। अभी मैं वीडियो ये बनाया, हो सकता है एक घंटा बाद कुछ और वीडियो आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि अपडेट्स इतने आ रहे हैं कि कहना मुश्किल है। तो चलिए गाइस कोई नहीं, मेरे से जितना होगा मैं अपने तरफ से प्रयास करता रहूँगा आप लोग तक अपडेट देने का प्रयास करूँगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पर आप लोग को बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। स्टडी मटेरियल्स मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप लोग तब तक पढ़ाई कीजिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, कुछ किसी फर्दर अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।